उर्से मुबारक पर मीरा भाईंदर के जाने माने समाज सेवक मोसे चिनप्पा ने सैयद गौहर शाह बाबा कश्मीरा दरगाह पर चादर चढ़ाई। इस दौरान मोसे चिनप्पा के घर के बाहर आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ उर्से मुबारक निकाली गई। मोसे चिनप्पा ने एकता और भाईचारे का संदेश देने का काम किया है। आपको बताते चले कि मोसे चिनप्पा समाज सेवक के साथ साथ शिवसेना नेता भी है, लेकिन जाति पाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति के काम कर रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के हर त्योहार को चिनप्पा परिवार बड़ी धूमधाम के साथ मनाते आ रहे हैं। यही वजह है कि मोसे चिनप्पा जनता और पार्टी दोनों के लोकप्रिय नेता है। इस कार्यक्रम के दौरान मौलाना और वहां की जनता मोसे चिनप्पा के साथ नजर आई और आए हुए लोगों ने उनकी खुशी की कामना भी की। देखिए, मेरा जो बचपन है कुलाबा में गुजरा है। कुलाबा आप जानते हैं साउथ मुंबई में, और वहाँ पर जहाँ मैं रहता था वहाँ पर गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर और चर्च सब आजू बाजू में थे, और हमें बचपन से आदत है, तो मैं तो वही कर रहा हूँ जो मैं बचपन से कर रहा हूँ। काफ़ी लोग को लगता रहेगा क्योंकि मैं राजनीति में हूँ, सोशल वर्क में हूँ, पर ये जो संदल है, हमारे यहाँ संदल कहते थे, यहाँ पर उर्स कहते हैं, ये हमारे अफगान चर्च के जो दरगाह है वहाँ पर होता था, और मैं कहीं भी हूँ वहाँ पर 2 घंटा जो ढोल नगाड़ा बजता था मैं देखता था, मन में खुशी होती थी। तो ये राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं, मैं वही करता हूँ जो मेरे मन में खुशी हो, और इसी बहाने मेरे सब दोस्त जो है आजू बाजू के सब शहर से आए हुए हैं। मीरा भाईंदर शहर में आप देखोगे तो यहाँ पर मन्नत के काफ़ी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, सभी धर्म के लोग सभी जगह जाते हैं, और मेरे घर में, मेरे परिवार में सभी धर्म की खुशियाँ को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और गौर शाह सैयद गौरशाह बाबा का जो एनिवर्सरी है, मैं कुछ 10 साल पहले घर पे कुछ तकलीफ आई थी, माँ बीमार थी, तो मैं वहीं पर गया था, मन्नत मांगा था। तो मेरी आस्था भी है, भले वो अजमेर शरीफ हो या काशीमीरा का दरगाह हो या बाले पीर शाह जो अपने उत्तन में है, उनसे पहले धारावी मंदिर है, तो मैं तो जहाँ जाता हूँ मन्नत मांगता हूँ, मेरा काम होता है, तो मैं क्यों नहीं धूमधाम से खुशी मनाऊँ। और अभी कोविड ख़त्म हो गया है तो हम सबको मिलजुल के इसकी खुशी को मनानी चाहिए। मुझे गर्व है कि हमारे शहर में पहली चादर मोसे चिनप्पा फाउंडेशन से जा रहे हैं। अब तो प्रोग्राम शुरू हुआ है ढोल नगाड़े के साथ, हम आटके से होते हुए काशीमीरा जाएंगे, और आप लोग सब आइए। उम्मीद करते रहे, क्या कहना चाहेंगे आपकी? सबसे पहले तो आप सबको सरकार गौर शाह बाबा का उर्स मुबारक हो, और ये बहुत खुशकिस्मत की बात है कि सरकार बहुत कुछ ही लोगों को चुनते हैं सब नेक काम के लिए, और सरकार के उर्स मुबारक के मौके पर मोजेज भाई ने सरकार गौर शाह बाबा के इस हाड़केस के सरजमीन से गौर शाह बाबा के दरबार में चादर पेश की, चादर निकाले, संदल शरीफ निकाले। हम सब बहुत खुशकिस्मत है कि हमको सरकार ने एक नेक काम मोजेज भाई के तरफ से मिला, और सरकार के हाजिरी में सरकार गौर शाह बाबा के दरबार में नज़र देने जा रहे हैं। हम सब की हाजिरी सरकार गौर शाह बाबा की इसी तरह हर साल मनाते रहे, मोजेज भाई के तरफ से भी हम सब इसी रही, इसी तरह हम जाते रहेंगे, सरकार गौर शाह बाबा के दरबार में हाजिरी देते रहेंगे, और सभी के लिए दिली तमन्ना, दुआओं भी, मुरादें भी सभी सरकार गौर शाह बाबा के दरबार में पूरी होती है। आज यहाँ पे आप इसके पहले भी आए थे, गए साल में गरीब नवाज के लिए चादर यहीं से अपने भैया थे, आप थे वहाँ पे, तो मैं मोजेज भाई को मैं हमेशा दिल से मैं ये कहता हूँ कि आप हो तो हमारे को एक भारत यहाँ पे देखने को मिलता है, तो मैं अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि आप हमेशा अच्छे रहो, और इसी तरह हर साल संदल वगैरह यहाँ से निकालते रहो किसी तरह हर्षोल्लास के साथ में। लोगों को मोजेज चिनप्पा फाउंडेशन की तरफ से उर्स मुबारक हो, और हम लोग पहली बार यहाँ से निकाल रहे हैं चादर हमारे मोजेज भाई की तरफ से। आप यहाँ पे आके देखिए उर्स में, इतने लाखों की पब्लिक आती है, उसमें हम भी वहाँ पे शरीक रहेंगे। 20, 21, 22 तीन दिन का उर्स है, आप लोग आइए, आप लोग का वेलकम है वहाँ पे, और हमारे साथ में भी 2 कदम चल के आप लोग इसका दायरे में हासिल करें।